हेलो बच्चों, ये कौन खड़ा है, कौन अड़ा है, ये कौन खड़ा है, कौन अड़ा है, केमिस्ट्री मेरी जान, एक बार फिर से तेरा चाहने वाला तेरे पीछे अड़ा है। एक बार फिर से हमें एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करनी है। दोस्तों, अगर आप पूरी डिटेल जान चुके हैं एटम, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास की, तो आज वक्त हो गया है ये जानने का परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। एक और बेहतरीन टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में आज हमें जानना है परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले इसकी मीनिंग की हम बात करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। देखिए, हर एलिमेंट की मास परसेंटेज एक कंपाउंड में क्या है, इसकी बात करनी है। अगर हमने करेक्टली किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की मास परसेंटेज को इंडिकेट कर लिया, यानी हमने परसेंटेज कंपोजिशन को इंडिकेट कर लिया है, यही मास परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन होती है। आइए एक एग्जांपल से परसेंटेज कंपोजिशन को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, एक्स बी वाई कंपाउंड हमारे पास है। इसमें मास परसेंटेज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की क्या होगी, देखिए बात करनी है। मास परसेंटेज ऑफ कैपिटल ए क्या है, मास परसेंटेज ऑफ कैपिटल बी क्या है। अगर आप मास परसेंटेज यहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे तो आसानी के साथ परसेंटेज कंपोजिशन को आपने एक्सप्रेस कर लिया है। तो देखेंगे मास परसेंटेज, ये मास परसेंटेज दोनों ही एलिमेंट की आपके पास है, यानी आपके पास है परसेंटेज कंपोजिशन। हम परसेंटेज कंपोजिशन को किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, इसका आइडिया आपको मिल चुका है। आपको एलिमेंट्स की मास परसेंटेज एक्सप्रेस करनी है। आइए मास परसेंटेज कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, इसकी बारीकी से बात करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या मास है, मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, इन गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, यानी मास ऑफ वन कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूलर मास। ये मास क्या होता है, टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास होता है, इन टू हंड्रेड। इस प्रकार से मास परसेंटेज आपके पास आ जाएगी, एलिमेंट का मास बाय टोटल मास इन टू हंड्रेड। देखिए एलिमेंट का मास कैसे इंडिकेट किया जाए, इसके लिए क्या करना होगा। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट के लिए एलिमेंट का मास हमें इंडिकेट करना होगा, एलिमेंट का मास हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, उस एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट के कितने एटम्स है। देखिए उस पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, इसकी हमें बात करनी है। उसके एटम्स आपके पास हैं और एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। देखिए इसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिमेंट का मास आ जाएगा, कितने एटम्स हैं, मान लेते हैं एक्स एटम्स है और वाई एक एटम का मास है, तो एक्स इंटू वाई ही तो क्या होगा, एलिमेंट का मास होगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। एलिमेंट का मास उसके अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम के मास को ऐड करने के बाद ही मिलेगा। अगर एटम्स एक्स हैं और एटॉमिक मास वाई है तो एक्स इंटू वाई क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास होगा। और टोटल मास मॉलिक्यूलर मास से हमें डिवाइड करना है, क्लियर है बात, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। इंटू क्या कर देंगे, इंटू हंड्रेड करना है। इस प्रकार से हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर पाएंगे। एक एलिमेंट की मास परसेंटेज मिल गई है, फिर ऐसे ही दूसरे एलिमेंट की मास परसेंटेज को हमें एक्सप्रेस करना है, और दो ही एलिमेंट मौजूद हों तो दोनों की मास परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के बाद हम बोल सकते हैं हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है, कंप्लीट मास परसेंटेज हमारे पास है अलग अलग एलिमेंट की।
तीन एलिमेंट है तो तीनों की मास परसेंटेज को हम आसानी के साथ एक्सप्रेस कर लेंगे, यानी परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस कर लेंगे। एक एग्जांपल कंसीडर करूंगा मैं, उसके बाद आप और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एक्स बी वाई के लिए मास परसेंटेज कैपिटल ए की क्या होगी। हमारे पास एक्स बी वाई, एक्स बी वाई हमारे पास है और हमें मास परसेंटेज ऑफ कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करना है और मास परसेंटेज ऑफ कैपिटल बी को भी रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है देखिए, मास परसेंटेज ए की क्या होगी, मास परसेंटेज ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इनटू एटॉमिक मास ऑफ ए, इनटू एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय, एटॉमिक मास का क्या मीनिंग है, एक एटम का मास, एक एटॉमिक मास हमने नंबर ऑफ ए एटम से मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास क्या होगा, ए का मास होगा, ए का मास उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसके बाद टोटल मास से डिवाइड करना होगा उस पूरे कंपाउंड का, यानी एक कंपाउंड का मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, ये मास मॉलिक्यूलर मास होगा। आइए टोटल मास से डिवाइड करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड करते हैं, परसेंटेज निकालनी है तो इनटू क्या करना होगा, 100 करना होगा। इस प्रकार से मास परसेंटेज ऑफ ए को हमने इंडिकेट कर लिया है, सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ बी को भी इंडिकेट कर लेंगे। मास परसेंटेज ऑफ बी क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इनटू एटॉमिक मास ऑफ बी, एटॉमिक मास ऑफ बी, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास क्या होगा, कैपिटल बी का मास होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, ये होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया इनटू 100, ये क्या होगी, ये मास परसेंटेज ऑफ बी होगी। अब ध्यान से देखिए, इसमें ए एटम्स कितने हैं, एक्स हैं ए एटम्स एंड बी एटम्स वाई है। आइए पुट करते हैं नंबर ऑफ ए एटम्स को, नंबर ऑफ ए एटम्स को क्या पुट करेंगे, एक्स है, यहां पुट करना होगा स्मॉल एक्स। नंबर ऑफ बी एटम्स क्या है, वाई है, यहां पुट करना होगा क्या, वाई। अज्यूम करते हैं एटॉमिक मास कैपिटल ए का कैपिटल एम ए है, तो यहां एटॉमिक मास पुट किया। एटॉमिक मास कैपिटल बी का क्या है, एटॉमिक मास कैपिटल बी का अज्यूम करते हैं कैपिटल एम बी है, यहां हमने एम बी पुट किया, क्लियर है बात। तो मोलिकुलर मास क्या होगा, देखिए मोलिकुलर मास एम एम ये होगा, एटॉमिक मास कैपिटल ए का क्या है, एम ए है, इनटू इनटू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, जी हां, प्लस एटॉमिक मास बी का क्या है, कैपिटल एम बी है, और बी एटम्स का नंबर क्या है, वाई है, इनटू वाई, ये हमारे पास क्या होगा, ये मोलिकुलर मास होगा। लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं, जो आप मास परसेंटेज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की इंडिकेट कर पाएंगे, इन मास परसेंटेज के सम को हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए प्लस मास परसेंटेज ऑफ बी। देखिए एक्स बी वाई में दोनों ही प्रेजेंट है ए एंड बी, इसके अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो मास परसेंटेज का सम क्या होगा, 100 ही तो होगा, जी हां, मास परसेंटेज ऑफ कैपिटल ए प्लस मास परसेंटेज ऑफ कैपिटल बी, ये सम क्या मिलेगा आपको, ये 100 मिलेगा। यहां से तो एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है, अगर हम किसी एक की मास परसेंटेज जानते हैं तो दूसरे एलिमेंट की मास परसेंटेज को आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। 100 में से पहले एलिमेंट की मास परसेंटेज को माइनस कर दें, दूसरे एलिमेंट की मास परसेंटेज हमें मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो देखिए एक एग्जांपल यहां पर हम कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जांपल हमारे पास H2O है, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की हमें डिटेल में बात करनी है। एटॉमिक मासेज आप जानते हैं, H का एटॉमिक मास 1 है, O का एटॉमिक मास 16 है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा 1 into 2
2H है, प्लस 16 इंटू 1 1O है, तो ये 18 होगा मॉलिक्यूलर मास। टोटल मास एक मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है 18 है, यानी एलिमेंट के मास को टोटल मास से डिवाइड करना होगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा, इसलिए हमने मॉलिक्यूलर मास को सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया है। आइए अब बात करें हाइड्रोजन की मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। देखिए हाइड्रोजन का मास क्या है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, तो हाइड्रोजन का मास क्या होगा, एटॉमिक मास 1 इनटू 2, ये होगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास मॉलिक्यूलर मास जो कि क्या है 18 है इनटू 100। देखिए इस प्रकार से आपको मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11 मिलती है। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। सिमिलर तरीके से मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को भी हमें रिप्रेजेंट करना है। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखिए क्या है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो एक एटम का मास 16 इंटू 1 होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास मॉलिक्यूलर मास 18, 18 से डिवाइड किया इंटू 100। आई होप इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए मास परसेंटेज ऑक्सीजन की क्या मिलती है, 88.89%। इन दोनों की मास परसेंटेज का सम देखिए क्या है, दोनों ही प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये सम मिलता है 100। अगर हम हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कैलकुलेट कर चुके हैं तो ऐसे ऑक्सीजन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 में से हाइड्रोजन की मास परसेंटेज को माइनस किया जा सकता था, लेकिन मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर 100 में से हाइड्रोजन की मास परसेंटेज को माइनस भी कर सकते हैं। आइए और ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया होगा, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। नाम तो आपने सुना होगा ही, ग्लूकोज क्या है जानते हैं हम, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की बात करनी है, यानी मास परसेंटेज कार्बन, मास परसेंटेज हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑक्सीजन को हमें करेक्टली रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक मासेस को यूज करना होगा, जी हाँ, इसके लिए एटॉमिक मासेस आपको दिए होंगे। H का एटॉमिक मास 1 है, देखिए C का एटॉमिक मास 12 है, O का एटॉमिक मास 16 है, ये आपको दिए रहेंगे। हमें इस केस में अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करनी है, देखिए ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की मास परसेंटेज क्या होगी, हमें अलग अलग से इनकी मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट करना होगा। देखिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को ही कैलकुलेट करते हैं, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का नंबर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यानी एक एटम का मास है, तो 12 एटम्स का मास क्या होगा इनटू 12 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है प्लस 16, क्लियर है बात, एंड ऑक्सीजन का नंबर क्या है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आपने ऐड कर लिया होगा इस प्रकार से, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने प्रेजेंट है इनके मास को आपने इस प्रकार से एटॉमिक मास को इनके नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए कैलकुलेट किया है, तीनों ही प्रेजेंट है तो तीनों के मास को हमने ऐड कर दिया है, तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास हमें मिलता है 180। आइए मॉलिक्यूलर मास अगर आपके पास है तो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की मास परसेंटेज क्या होगी, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। देखिए कार्बन का मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और कार्बन एटम 6 है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यह है मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास 180 मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। देखिए यहां से आपको क्या मिलती है, कार्बन की मास परसेंटेज
उम्मीद करता हूं आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा और आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। 40% है कार्बन की मास परसेंटेज। अब बारी है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। देखिए हाइड्रोजन का नंबर 12 है और एटॉमिक मास क्या है? 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, 1 इंटू 12, ये क्या हुआ? ये आपके पास हाइड्रोजन का मास हुआ। टोटल मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास 180 से डिवाइड किया इंटू 100। देखिए यहां से आपको मास परसेंटेज हाइड्रोजन की क्या मिलती है? 6.66 मिलती है। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 6.66। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। अब मास परसेंटेज किसकी रिमेनिंग है? ऑक्सीजन की मास परसेंटेज रिमेनिंग है। आइए ऑक्सीजन की मास परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दो प्रकार से कैलकुलेट की जा सकती है। या तो 100 में से माइनस कीजिए। क्या माइनस कीजिए? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो देखिए हाइड्रोजन की मास परसेंटेज क्या है? 6.66। कार्बन की मास परसेंटेज 40 है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी, या फिर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। आइए यहां से भी देख लें और डेटा मैच हो जाएगा, आपको सेम ही मिलेगी मास परसेंटेज ऑक्सीजन की दोनों ही मेथड से। यहां देखिए ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, एटॉमिक मास 16 है, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 16 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। देखिए 16 × 6 ये हुआ मास ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय टोटल मास मॉलिक्यूलर मास 180 × 100। इस प्रकार से हमने यहां पर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट कर लिया है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है? सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ऑक्सीजन की मास परसेंटेज मिलती है 53.33। और यहां से भी मास परसेंटेज क्या मिलती है आपको? 53.33 मिलती है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की मास परसेंटेज को हमने करेक्टली रिप्रेजेंट कर लिया है। आगे चलते हैं। देखिए एक फेमस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया की परसेंटेज कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करनी है। सिमिलर मेथड से, सिमिलर टेक्निक से आप आसानी के साथ यूरिया की भी परसेंटेज कंपोजिशन अब कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आप जान चुके हैं परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग, यानी सबसे पहले हमें बात करनी होगी यूरिया के फॉर्मूला की। NH2CONH2 एक फेमस मॉलिक्यूल, यूरिया मॉलिक्यूल आपके सामने है। इसमें परसेंटेज नाइट्रोजन की क्या होगी? मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? इनको जानने के बाद हम बोल सकते हैं हमें पता है परसेंटेज कंपोजिशन, यानी परसेंटेज कंपोजिशन के लिए आपको रिप्रेजेंट करना होगा इन सभी एलिमेंट्स की मास परसेंटेज को। एटॉमिक मासेज आपको गिवन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो आपको जरूर इसके फाइनल आंसर तक पहुंचना है और कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसके फाइनल आंसर को पोस्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस के टाइप को चेंज करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना हम जान चुके हैं। अगर किसी की मास परसेंटेज गिवन हो और कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई हो तो आप कैसे इंफॉर्मेशन को पता कर पाएंगे? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करें, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। एनऑक्साइड Fe2ON
ऑफ आयरन कंटेन्स 70% आयरन बाय मास। इस पर्टिकुलर ऑक्साइड में देखिए आयरन 70% है। आप इसका आंसर ऐसे बिल्कुल भी नहीं देंगे कि Fe2O3 देखा है तो N की वैल्यू 3 होगी, जी नहीं, इस मास परसेंटेज को यूज करना है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है सिमिलर टाइप का कोई और क्वेश्चन हो जिस ऑक्साइड को आप जानते ना हो और वहां पर अननोन वैल्यू N की पूछी हो, तो कैसे कैलकुलेट होगी, हमें तो अप्रोच को जानना है। ऐसे आप डायरेक्टली नहीं बोलेंगे N की वैल्यू 3 है। इस मास परसेंटेज को यूज करते हुए आप इसके फाइनल आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी हमें बारीकी से बात करनी है। ध्यान से सुनिए, जिसकी भी मास परसेंटेज दे रखी है उसी का ही मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखिए, मास ऑफ आयरन इन Fe2ON डिवाइडेड बाय टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। क्लियर है बात? तो देखिए मास ऑफ आयरन क्या है Fe2ON में, आयरन के एक एटम का मास एटॉमिक मास 56 होता है। आयरन के टू एटम्स प्रेजेंट हैं, तो टू एटम्स का मास क्या होगा, 56 इनटू 2 होगा। आइए बात करें मॉलिक्यूलर मास की। देखिए Fe2ON का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास आयरन का 56 है, आयरन 2 है इनटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का नंबर n है इनटू n। इस प्रकार से n को यूज करते हुए हमने Fe2ON का मॉलिक्यूलर मास करेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये देखिए 56 इनटू 2 प्लस 16 इनटू n, ये होगा टोटल मास एक मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये क्या है, ये मास परसेंटेज आयरन की है। इस मास परसेंटेज को किसे इक्वेट करना है, जो मास परसेंटेज दी है उसे इक्वेट करना है। आसानी के साथ हम n को कैलकुलेट कर पाएंगे। और भी कोई अननोन अगर कंपाउंड हमारे पास है और उसमें n अननोन है, तो देखिए उसके लिए भी हम आसानी के साथ n को कैलकुलेट कर पाएंगे। जिसकी भी मास परसेंटेज दी है उस मास परसेंटेज को यूज करेंगे, यानी मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाएंगे और मास परसेंटेज के इस एक्सप्रेशन से इक्वेट करना होगा उस दी गई परसेंटेज को। तो देखिए n कैसे मिलता है हमें, 0 से 0 कैंसिल होगी, 7 8 56, यानी यहां से हमें मिलता है 160 डिवाइडेड बाय 112 प्लस 16 n इज इक्वल टू 1। देखिए इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 160 इज इक्वल टू 112 प्लस 16 n। देखिए 48 इज इक्वल टू 16 n, n इज इक्वल टू 48 बाय 16, n इज इक्वल टू 3। हेंस फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3। ये होगा फॉर्मूला। इस प्रकार से हम अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे और करेक्ट फॉर्मूला को इंडिकेट कर पाएंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपकी सेवा में पेश करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ मास परसेंटेज ऑफ डाइवेलेंट मेटल, डाइवेलेंट क्या है, डाइवेलेंट का मीनिंग है जिसकी वैलेंसी 2 हो, यानी M2+ इस टाइप से मेटल प्रेजेंट है, डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, और कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट आयन का मीनिंग है CO3 2-, तो मेटल कार्बोनेट MCO3 होगा। देखिए MCO3 होगा, M2+ CO3 2- की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट MCO3 बनेगा, जो कि आपके सामने है। इस 48% मास परसेंटेज इस बार ऑक्सीजन का गिवन है, अगर ऑक्सीजन का मास परसेंटेज गिवन है तो हम ऑक्सीजन की मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसमें एटॉमिक मास कैपिटल M होगा और एटॉमिक मास कैपिटल M को हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। जी हां, एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करना है, जिसकी भी मास परसेंटेज दी हो एक्सप्रेशन उसी का ही बनाएंगे, उसी की ही मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन हमें बनाना होगा। देखिए हिंट में यही दिया है, 48% ऑक्सीजन की मास परसेंटेज है, जल्दी से
ऑक्सीजन की मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाइए। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखिए क्या होगी, मास ऑफ ऑक्सीजन इन MCO3 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ MCO3 इनटू 100। इस प्रकार से ऑक्सीजन की मास परसेंटेज आपके पास होगी। हमें देखिए यहां पर क्या पुट करना होगा, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, सबसे पहले कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, ताकि हम यहां पर ऑक्सीजन का मास करेक्टली रिप्रेजेंट कर पाए न्यूमिनेटर टर्म में। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ऑक्सीजन का मास न्यूमिनेटर टर्म में क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इनटू ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है उतने एटम्स का मास आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है, 16 × 3 ये होगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन MCO3। क्लियर है बात। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लेट एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एम बी स्मॉल एक्स, मान लेते हैं स्मॉल एक्स होगा एटॉमिक मास कैपिटल एम का, तो देखिए कैपिटल एम का एटॉमिक मास स्मॉल एक्स होगा, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन का नंबर 1 है इनटू 1, प्लस ऑक्सीजन 3 है एटॉमिक मास 16 होता है, 16 × 3 × 100। इस प्रकार से हमने यहां डिनोट कर लिया है मॉलिक्यूलर मास को, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास mm है, और ये क्या है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया जाए और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। इस प्रकार से हमारे पास ऑक्सीजन की मास परसेंटेज होगी, यहां पर x की टर्म्स में हमारे पास ऑक्सीजन की मास परसेंटेज होगी। इसको इक्वेट कर देंगे, जो ऑक्सीजन की मास परसेंटेज 48 दी है इससे इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास ये अननोन वैल्यू x आ जाएगी। कैसे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 48 से 48 कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, आपने भी कर लिया होगा। तो यहां से राइट साइड क्या मिलता है, इसे देखिए राइट साइड क्या मिलता है, यहां से राइट साइड मिलता है 1। क्लियर है बात, 48 से 48 कैंसिल करने के बाद राइट साइड हमें 1 मिलता है। देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है, ये आप देख चुके हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड है 100 डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स प्लस 12 प्लस 16 × 3, और राइट साइड क्या है 1 है, यानी 100 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 1, 100 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए स्मॉल एक्स हमें क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, स्मॉल एक्स हमें मिलता है 40। ये स्मॉल एक्स क्या है, ये स्मॉल एक्स है एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एम, यानी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल एम, जो कि क्या है 40 है। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। एक बार फिर से हमने क्या किया, जिसकी भी मास परसेंटेज दी है उसी की ही मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाया, उस दी गई मास परसेंटेज से इक्वेट कर दिया, अननोन वैल्यू अपने आप सोल्व होकर आपके पास आ जाएगी, एफर्ट्स तो आपको डालने होंगे, वैल्यू तो आ जाएगी सोल्व होने के बाद। देखिए कैलकुलेशन करना आपका काम है, एक्सप्रेशन बनाना मैंने आपको सिखाया है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये सर ने हमें होमवर्क दिया है, हमसे सोल्व नहीं हुआ तो कैसे डिस्कस करेंगे। तो आज से मैंने एक बेहतरीन सिलसिला स्टार्ट किया है, होमवर्क की मैं आपको हिंट भी दिया करूंगा, आंसर भी आपको बताया जाएगा, और क्लास नोट्स को गो थ्रू करने के बाद, हिंट को देखने के बाद आप डेफिनेटली आंसर तक पहुंच जाएंगे, और काफी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में ही इसके आंसर को क्रैक कर देंगे, इसके सॉल्यूशन को क्रैक कर देंगे, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए कौन कौन से स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तक पहुंच पाए होंगे, इसकी जानकारी तो हमें कमेंट सेक्शन से ही मिल पाएगी। जी हाँ, आप कमेंट करें अपने फाइनल आंसर को। इस क्वेश्चन का हिंट क्या होगा, आइए स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इसका बेहतरीन हिंट दिया जाएगा, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। काफी भयानक क्वेश्चन है देखने में, क्वेश्चन कितना भी भयानक क्यों ना हो, अभी तक जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उन कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए ए पॉलीस्टायरीन हैविंग द फॉर्मूला BR3C6H3
C8H8N, बड़ा सा मॉलिक्यूल है। जी हाँ, जायंट मॉलिक्यूल है ऐसा लगता है। वाज प्रीपेड बाय हीटिंग स्टायरीन विद ट्राइब्रोमो बेंजोइल परोक्साइड इन एब्सेंस ऑफ एयर। इफ इट वाज फाउंड टू कंटेन 10.46% ब्रोमीन बाय मास, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। देखिए, ब्रोमीन की मास परसेंटेज गिवन है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जिसकी मास परसेंटेज गिवन हो उसके मास परसेंटेज के एक्सप्रेशन को हम यहां पर बिल्ड करेंगे। देखिए, मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या होगी, ब्रोमीन का मास बाय टोटल मास, मास ऑफ ब्रोमीन इन गिवन कंपाउंड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसे डिवाइड करें, इनटू 100 करें और दी गई परसेंटेज से इक्वेट करें। देखिए, ब्रोमीन का मास क्या होगा, एटॉमिक मास 80 होता है, मास ऑफ ब्रोमीन 80 × 3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास क्या होगा, देखिए 80 × 3, ये तो Br3 का मास हुआ, यहां कार्बन कितने हैं, 6 हैं, एटॉमिक मास 12 है, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का मास क्या है, एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नंबर 3 है, 1 × 3। यहां देखिए, ब्रैकेट के बाहर N है, तो यहां भी ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर N होगा, क्लियर है बात। अंदर देखिए क्या होगा, इसकी हमें बात करनी है। ब्रैकेट के अंदर 8 कार्बन है, 8 कार्बन का मास क्या होगा, एक कार्बन का मास 12 होता है, 8 का मास क्या होगा, 12 × 8 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 8 हाइड्रोजन है, × 8, देखिए × 8 किया, और ब्रैकेट के बाहर यहां भी N है, यहां भी N है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। जी हाँ, परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। इक्वेट किससे करना होगा, दी गई परसेंटेज से इक्वेट करना होगा। ब्रोमीन की क्या परसेंटेज आपको दी है, 10.46, इसको इक्वेट करना होगा। आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली 19 मिलेगा, जल्दी से नोट करें। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और केस हमारे सामने, इस बार हमें एलिमेंट की मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट नहीं करना है, इस बार वाटर की मास परसेंटेज को हमें रिप्रेजेंट करना है। Na2SO4.XH2O has 50% H2O by mass. H2O की मास परसेंटेज हमें गिवन है। कैलकुलेट कैपिटल X, कैपिटल X को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मास परसेंटेज को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है, मास परसेंटेज ऑफ H2O, ये क्या होगी, ये होगी मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O इन Na2SO4, Na2SO4.XH2O डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ Na2SO4.XH2O, यानी टोटल मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4.XH2O इनटू 100 करना होगा। देखिए, H2O कितने प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, कैपिटल X, तो एक H2O का मास क्या होगा, इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, इनटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 1, तो यहां से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल का मास मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स X हैं, तो X वाटर मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, ये होगा 18 × X। आइए बात करें पूरे मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, यानी Na2SO4.XH2O के मास की बात करनी है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। चलिए, इसके लिए XH2O के मास में Na2SO4 के मास को ऐड करना होगा। Na2SO4 का मास क्या है, Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसकी बात करते हैं, और XH2O का मास हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर ही लिया है, उसको ऐड करने के बाद इस पूरे मॉलिक्यूल का मास आपके पास होगा, यानी मॉलिक्यूलर मास आपके पास होगा। देखिए, पूरे मॉलिक्यूल का मास क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सोडियम 2 है, 23 × 2, क्लियर है बात, प्लस सल्फर 1 है, 32 × 1, ऑक्सीजन 4 है, प्लस 16 × 4, और यहां पर XH2O का मास क्या है, ये हम देख ही चुके हैं, ये हमारे पास 18X है। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
इनटू 100 और इसको इक्वेट करना है 50 से, आसानी के साथ हम कैपिटल एक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए एक्स क्या है इसकी हमें बात करनी है, एक्स दो जगह आसानी के साथ बात कर पाएंगे। 52 क्या है, 52 100 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x। चलिए आगे बात करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या मिलता है, इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड तो 46 प्लस 32 क्या हुआ है? ये हुआ 78। देखिए ये हुआ राइट साइड 78, क्लियर है बात। अब देखिए और क्या होगा, और हमारे पास 64 होगा प्लस 18x होगा, और हमारे पास होगा 64 प्लस 18x, यहां से मिलता है 18x इज इक्वल टू, देखिए 78 प्लस 64 ये है 142। 36x में से आपने 18x को माइनस किया तो ये हुआ 18x और इनको ऐड करने के बाद 142 मिलता है। देखिए x हमें मिलता है यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद 7.9, x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स इन Na2SO4.XH2O क्या होंगे, 8 होंगे, यानी डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए हमें एक और पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, यहां से x हमें फ्रैक्शनल मिलता है, क्या कभी मॉलिक्यूल का नंबर और एटम का नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो राउंडिंग ऑफ करनी होगी, किस इंटीजर के ज्यादा क्लोज होगा, एटम का नंबर मॉलिक्यूल का नंबर इंटीग्रल होगा किस इंटीजर के ज्यादा क्लोज होगा, 8 के ज्यादा क्लोज होगा, इसलिए हमने फाइनल आंसर 8 चूज किया है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपके सामने है, इस क्वेश्चन में भी यहां से वॉटर की परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाएंगे और 13 से इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, पूरी माया आपके सामने है, ऐसे इक्वेट करेंगे जैसे आपने Na2SO4.XH2 के लिए वॉटर की परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाया, वैसे ही इसके लिए भी वॉटर की परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाना होगा, तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यहां से फाइनल आंसर आपको 1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, देखिए इसमें XH2 प्रेजेंट है, अगेन वॉटर की परसेंटेज का एक्सप्रेशन आपको बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे आप जैसे यहां बनाया हुआ है और इसको इक्वेट करना होगा, जो वोटर की परसेंटेज दी है उससे इक्वेट करना होगा। इक्वेट किया 19% वोटर की परसेंटेज है, इसे इक्वेट किया तो यहां से आपको एक्स क्या मिल पाएगा, इसको सोल्व करने के बाद आपको यहां से एक्स मिल पाएगा 3 के इक्वल। आई होप इसके फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पोस्ट करें इसका फाइनल आंसर, आपको क्या यही मिलता है, जरूर मिलेगा आपको फाइनल आंसर इसका यही। देखिए ये क्वेश्चन हमें अभी सोल्व करना है, ये डिफरेंट टाइप का है, हल्का सा डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ 36.6 ग्राम ऑफ BaCl2.XH2O ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लूजेस 5.4 ग्राम ऑफ मॉइस्चर। देखिए BaCl2.XH2O को अगर स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो क्या होगा, BaCl2+XH2 बन जाएगा, ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा हीट करने पर, और कितना इवेपोरेट होगा, देखिए 5.4 ग्राम यानी इसमें वाटर प्रेजेंट है 5.4 ग्राम। टोटल मास क्या है इसका, टोटल मास इसका है 36.6 ग्राम, ये आपको गिवन है। अगर ये डेटा आपको गिवन है और यहां पर वोटर की मास परसेंटेज आपको नहीं गिवन है तो आप इस डेटा से वोटर की मास परसेंटेज इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, देखिए जो गिवन डेटा गिवन मास है इसे मास परसेंटेज ऑफ वोटर कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, मास ऑफ वोटर बाय टोटल मास, कितना मॉइस्चर यहां से रिमूव हो पाएगा 5.4, यही तो वोटर का मास होगा जो इसमें पहले प्रेजेंट था, डिवाइडेड बाय टोटल मास 36.6 × 100। इस प्रकार से आपके पास होगी मास परसेंटेज ऑफ वॉटर इस दिए गए डेटा से। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट एक्स करना है, तो
तो ये तो वोटर की मास परसेंटेज है। देखिए अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जो आपने अभी कुछ टाइम पहले ही सोल्व किया था। अगर आपके पास वोटर की मास परसेंटेज है तो आप एटॉमिक मास को यूज करते हुए, मॉलिक्यूलर मास को यूज करते हुए वोटर की मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। बेरियम का एटॉमिक मास 137, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। एटॉमिक मासेस को यूज करते हुए कैसे हम मास परसेंटेज का एक्सप्रेशन बना सकते हैं वोटर के लिए, आइए इसकी बात करें। वोटर जो प्रेजेंट है BaCl2 डॉट XH2O, इसमें क्या परसेंटेज होगी वोटर की, मास परसेंटेज की बात करनी है। मास ऑफ वोटर बाय मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास इनटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगी, वोटर की मास परसेंटेज। और वोटर की मास परसेंटेज इस डेटा से भी आपके पास है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहां से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसकी बात करें 137, ये बेरियम का एटॉमिक मास है, ये आपको दिया होगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और क्लोरीन 2 है इनटू 2 प्लस XH2 का मास क्या होगा, 1H2 का मास देखिए क्या है, 1 इनटू 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नंबर 2 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, नंबर 1 है। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 है। और वोटर कितने प्रेजेंट है, वोटर एक्स प्रेजेंट है, XH2O का मास क्या होगा, XH2O का मास होगा 18 इंटू एक्स। हमने 1H2O का 18 मास यहां कैलकुलेट किया जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो XH2O का मास क्या होगा, 18 इंटू एक्स होगा। देखिए 18 इंटू एक्स, ये XH2O का मास है, और BaCl2 का मास हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो BaCl2 डॉट XH2O का मास क्या होगा, BaCl2 का मास प्लस XH2O का मास, दैट इज 18 इंटू एक्स। यहां से देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या मिलता है, ये 71 है, ये 137 है, ये हमें मिलता है 208, और साथ में क्या है 18x प्लस 18x। आइए मास परसेंटेज ऑफ वोटर की बात करें। मास परसेंटेज ऑफ वोटर क्या है, मास परसेंटेज ऑफ वोटर इज मास ऑफ वोटर डिवाइडेड बाय टोटल मास। मास ऑफ वोटर क्या है, 18x, देखिए XH2O का मास 18x डिवाइडेड बाय, ये 18x है, इसको डिवाइड करना होगा किससे, इसको डिवाइड करना होगा इस मॉलिक्यूलर मास से, ये 18x है, इसको हमने मॉलिक्यूलर मास 208 प्लस 18x से डिवाइड किया। और परसेंटेज की बात करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, देखिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, देखिए वोटर की मास परसेंटेज को ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, और इसी वोटर की मास परसेंटेज को दो तरीके से इंडिकेट किया गया है, इन दोनों को इक्वेट करना होगा अगर हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। कैसे इक्वेट करना होगा, देखिए फर्स्ट मेथड वोटर की मास परसेंटेज को इंडिकेट करने का ये है, 5.4 डिवाइडेड बाय 36.6 इनटू 100। और अभी हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को यूज करते हुए किस प्रकार से वोटर की मास परसेंटेज को इंडिकेट किया है ये आपके सामने है, तो इसे इक्वेट करना होगा, 18x डिवाइडेड बाय 208 प्लस 18x और इनटू 100 किया। देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा, यहां से हमें क्या मिलता है, देखिए 18 3 जा 54 होगा तो 0.3 मिलता है, यहां से देखिए क्या मिलता है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 3 2 जा 6। देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास 1 बाय 122 है, राइट साइड एक्स बाय 208 प्लस 18x है। क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा अगर इसकी फाइनल आंसर तक पहुंचना है। यहां क्या है, यहां 1 है, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए क्या मिलता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलता है 208 प्लस 18x। राइट हैंड साइड देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये 122 है, और यहां क्या है, यहां x है हमारे पास, 122 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलता है 122x। आइए x को कैलकुलेट करते हैं, x क्या होगा, 208 इज इक्वल टू 122x माइनस 18x, यहां से हमें 104x
208 के इक्वल मिलता है, यानी x इक्वल होगा 2 के। हैंस फॉर्मूला ऑफ हैंस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज BaCl2 DO2H2O। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, x की वैल्यू 2 होगी। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके होंगे। तो दो तरीके से हमने वाटर की परसेंटेज को इंडिकेट किया और दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल पाई है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है और मोल 2 में आपको और बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मोल 2 कंप्लीट होगा, अभी आपका मोल 1 कंप्लीट हुआ है, यानी एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मोल 2 में करेंगे। तो आप ये बिल्कुल भी चिंता ना करें, मोल कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्लैरिटी लानी है, ये मेरा काम है। मोल 2 में सफिशियंट प्रैक्टिस की जाएगी, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री की दुनिया की बात की जाएगी, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के फिनिश होने के साथ ही हम रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट बूस्टर सेशन की बात कर पाएंगे, क्योंकि इसी चैप्टर के फंडे यूज होंगे उसके अंदर। इसीलिए मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बूस्टर सेशन प्रोवाइड नहीं किया है। चलिए, काफी सारी बातें आपसे हुई आज और हमने परसेंटेज कंपोजिशन की माया को डिटेल में जाना। चलिए, विदाई का वक्त आ गया है। बड़ी सी स्माइल के साथ एक बार फिर से हमारी विदाई होती है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।